बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान। जी हाँ, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान रिसेंटली नजर आई एक इवेंट में, जहां पर वो इंटरव्यू देने पहुंची। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि बॉलीवुड की बेबो करीना ने गॉर्जियस लुक तो कैरी किया, लेकिन इस उनके गॉर्जियस लुक को लोगों ने पसंद नहीं किया है। जी हाँ, आपको जानकर ये झटका जरूर लगेगा कि करीना के इस गॉर्जियस लुक्स के साथ जो मेकअप उन्होंने कैरी किया, उसे मेकअप डिजास्टर करार दिया गया है। जी हाँ, मेकअप डिजास्टर करार दिया गया है। बेबो करीना जो नेपोटिज्म विवाद में काफी ज्यादा ट्रॉल हुई, बॉलीवुड की बेबो करीना सुशांत सिंह राजपूत मामले में ट्रॉल हुई। सुशांत की अलग जो गर्लफ्रेंड रह चुकी एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान की स्टेप मॉम होने के नाते, सारा के लिए सजेशन देना करीना के लिए इस कदर भारी पड़ा कि सुशांत के गुजरने के बाद, सुशांत के निधन के बाद करीना के खिलाफ सुशांत की जो फैंस है वो पूरी तरह से तैयार खड़े नजर आए। इसी कारण से करीना जो 7 महीने की प्रेगनेंसी के दौर में भी पूरी तरह से ब्यूटीफुल अटायर में फैशन ट्रेंड क्रिएट कर रही हैं, उनके इस लुक को लोगों ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि करीना कपूर खान के फेस मेकअप को लेकर लोग काफ़ी नाराज नजर आए। वैसे आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान ने जो है काफ़ी हद तक अपनी खूबसूरती को फ्लॉन्ट किया, लेकिन बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई करीना के 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इस तरह से काम करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कॉमेंट्स जो है क्रिटिसिज्म की तरफ इशारे करते हैं। जी हाँ, बेबो करीना के फेस लुक्स मेकअप डिजास्टर की बात हो रही है, यहाँ नेपोटिज्म मामले की बात हो रही है, तैमूर के जन्म के बाद सेकंड बेबी प्लानिंग को लेकर बात हो रही है, सब को लेकर करीना को जमकर ट्रोल किया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।